हेलो, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीक्रेट वॉर का एक और एक्साइटिंग पार्ट। और इससे पहले के पार्ट्स देखने के लिए आप मेरे चैनल पर दिए गए प्लेलिस्ट के जरिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैशटैग के जरिए भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं डूम, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के स्टैचू के नीचे जा रहा था, जहां पर उसे वलेरिया मिलती है। और वलेरिया अपसेट थी क्योंकि उसे लगता था कि उसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज मारे गए। उसने एक वेसल को ढूंढ निकाला और उसे क्वारंटाइन करने के लिए उनसे कहा, और ये जंग उसी की वजह से शुरू हुई। लेकिन डॉक्टर डूम उससे कहता है, क्या तुम्हें लगता है ये सब करना अभी जरूरी है? क्या तुम डूम की बेटी हो या फिर किसी और की? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसके मर्डरर्स को सजा देना चाहोगी? क्या तुम मेरे लिए उन्हें ढूंढोगी? क्या तुम स्टीफन के लिए उसे ढूंढोगी? पर इतना सुनकर वलेरिया एक नई उम्मीद के साथ अपने काम पर लग जाती है। लेकिन यहाँ पर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज को शहादत देने नहीं बल्कि उसके स्टैचू के नीचे एक तहखाने में जाने के लिए आया था। और उसके अंदर घुसते ही उसे वो पल याद आने लगते हैं जब वो बेयंडर से लड़ने गए थे, डॉक्टर स्ट्रेंज और वो। अंदर जाते हुए उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है, तुमने पूरी दुनिया में सबसे शांत जगह चुनी। जब तुम पूरी तरह से एक साइलेंट प्लेस में हो, बिना किसी चीज के साथ उल्टे लटके हुए, तो तुम्हारे कान तुम्हारे पेट की गुड़गुड़ाहट भी सुन सकते हैं। और यही मेरे साथ हुआ है। और तब हम देखते हैं मॉलिक्यूल मैन को, जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी पावर के साथ वहां पर बांध के रखा था या फिर सिर्फ उल्टा लटका रखा था। और वो जिस कमरे में था वहां पर साइलेंस और रोशनी के अलावा कुछ नहीं था। यहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज को देखकर वो पहले पूछता है कि क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ खाने को है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ। इस पर वो कहता है, नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। तब वो बताता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं किसी दिन गायब हो जाऊंगा या फिर सिर्फ हड्डी और खाल बचेगी, जान नहीं। यहाँ पर वो दोनों उन लॉर्ड से फाइट करने की बात एक दूसरे से कह रहे थे, जहाँ पर वो कहता है, बियॉन्डर्स ओमनिपोटेंट ऑल पावरफुल और एक क्यूरियस कैट की तरह, जिन्होंने वर्ल्ड को बनाया, जिन्होंने यूनिवर्स को एक नया शेप दिया, उन्होंने लाइफ को हर एक मुमकिन शेप में डाला, ने अपनी बाउंड्रीज पुश की जितना वो कर सकते थे उतना। लेकिन बहुत ही जल्द लोग अपने अच्छाई से तंग आ जाते हैं, लाइफ से बोर हो जाते हैं, और यही उनके साथ हुआ। और उन्होंने मुझे बनाया, एक बॉम्ब, सिर्फ एक बॉम्ब नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा बॉम्ब जो कि एक्सप्लोड होने के लिए बना था। ये अच्छा प्लान था बियॉन्डर्स का, रियली बहुत अच्छा प्लान था। लेकिन हर एक यूनिवर्स तबाह करने के लिए हर एक मॉलिक्यूल मैन था, और मेरे जैसे कई मॉलिक्यूल मैन कई मल्टीवर्स को तबाह कर सकते थे, और उन्होंने एक गलती कर दी। तब विक्टर कहता है, हाँ, उन्होंने तुम्हें इंसान बनाया, इस वजह से तुम्हें चॉइस करने का मौका मिला। और तब वो कहता है, और वो मौका था तुम, मैंने तुम्हें चॉइस किया और मैंने तुम्हें वो बताया और वो दिखाया जो मैं देख सकता था। वो आगे बताता है, मैंने खुद को मारा, कई सारे खुद को कई बार मारा, और इसकी मुझे कीमत भी चुकानी पड़ी। और फिर हमने बिल्ड किया ब्लैक स्वान की एक रिलीजन मुझे मारने के लिए। जब ब्लैक स्वान मुझे मारने में व्यस्त थे, तब मैं तुम और स्टीफन एक साथ जुड़कर वहां गए जहां पर हम इससे पहले कभी नहीं गए थे, बिल्कुल एंड से पहले। हमने एक बेटर बॉम्ब बनाया, मेरा ही एक बेटर वर्जन, और हम बियॉन्डर्स के सामने गए, उनके सामने जो कि डिस्ट्रॉयर्स थे, ड्रीमर्स थे, और पूरी रियलिटी उनके कंट्रोल में थी। उनके सामने खड़े होने की हिम्मत किसी में नहीं थी सिवाय तुम्हारे, और उन्हें रोका जा भी नहीं सकता था। तुमने उन सबको डिस्ट्रॉय किया और उनकी पावर चुरा ली। और तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज उस पूरी पावर को अकेले कंट्रोल करने के काबिल नहीं था, इस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज ने वो पूरी पावर विक्टर को दे दी। और तब से विक्टर गॉड एम्परर डूम बन चुका था। और इतना सुनने के बाद डूम वहां से चला जाता है। और जब डूम वापस जा रहा था, तब मॉलिक्यूल मैन उससे कहता है कि अगली बार आओ तो मुझे खाने के लिए कुछ लेकर आना। यहाँ पर वलेरिया अपने दोस्तों के साथ, यानी कि ड्रैगन मैन, नास्ट्रेडमस, एलेक्स पावर और बाकी साथियों के साथ उन लोगों को ढूंढने के लिए अपने साइंटिफिक और बाकी सारी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पर उन लोगों के पास एक क्राफ्ट था
जिस पर उस सारी जगह का नक्शा बना हुआ था और साथ ही साथ कुछ बार्स भी थे जो कि एनर्जी के हिसाब से एडजस्ट होते थे और कुछ एनर्जी बार्स किसी दूसरी एनर्जी को रिप्लिकेट कर रहे थे, जैसे कि डार्क एनर्जी या फिर किसी और तरह की। डॉक्टर डूम जो कि अब गॉड एम्परर डूम था उससे मेल नहीं खाती थी। यहाँ पर जितने भी लोग थे उन सब की एनर्जी उन्हीं की तरह थी, यानी कि गॉड डूम की तरह। लेकिन वो लोग जो कि वेसल से आए थे यानी कि कबाल और बचे हुए एवेंजर्स या फिर बचे हुए हीरोज, उनकी एनर्जी इन सभी से अलग थी, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज की थी। तो उस हिसाब से वो लोग उन्हें ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं हर एक को, कबाल और बचे हुए एवेंजर्स को एक एक स्टेट में, जिसमें से थॉर थी डूम गार्ड में, इजिप्शिया में नेमर और ब्लैक पैंथर थे, डूम चेट में ब्लैक स्वान थी और थानोस ऐसी जगह पर था जहां पर उसे कुछ अजीब दिख रहा था। यहाँ पर वलेरिया कहती है, मुझे जानना है कि आखिर हुआ क्या था, वो पीपल आए कहाँ से थे, मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो पीपल गए कहाँ पर, और सबसे बढ़कर मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो पीपल्स कर क्या सकते थे, और इन सबसे बढ़कर एक और सवाल है कि वो लोग चाहते क्या थे और किस वजह से गॉड उनसे इतने डर रहे हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मुझे फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।